Hello everyone, you're watching Reviving India. Hope you're doing well. So today we are going to learn about 23rd video tutorial of Python interview question. So aaj ka hamara question hai, that is what is copy in Python. So basically ye question kafi log isme confuse ho jate hain ki hum isme kya answer dein. Now let's see, dekhte hain ki aap kis tarike se interviewer ko exact answer de sakte ho taki wo aapko full marks de. So let's see. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो कॉपी बेसिकली हमारा एक मेथड होता है, और जब भी कोई हम एक पाइथन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट का मतलब है when we want to create a like a list, like a tuple, like a dictionary, अगर हम कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कॉपी मेथड यूज़ कर सकते हैं. और कॉपी मेथड यूज़ करने के लिए हम बेसिकली एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉपी मॉड्यूल. सो इसके बेसिकली दो टाइप्स हैं कॉपी के, दैट इज़ शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी. सो वन बाय वन देखते हैं विद एग्जांपल, ताकि आप फुल तरीके से एक्सप्लेन कर सको अपने इंटरव्यूअर को. सो पहला देखेंगे शैलो कॉपी. तो शैलो कॉपी क्या करता है? सो बेसिकली शैलो कॉपी अगर सिंपल तरीके से देखें तो बेसिकली ये एक कॉपी क्रिएट करता है जो कि हमारा कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि शैलो कॉपी क्या करता है. बट एक इसकी डिमेरिट है, अगर आपके पास कोई एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर बेसिकली हम लिस्ट की कॉपी कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल में, बट लिस्ट के अंदर कोई एक एलिमेंट है जो कि नेस्टेड एलिमेंट है, तो उसकी कॉपी में प्रॉब्लम होती है. और क्या प्रॉब्लम होती है, लेट्स सी, हम देखते हैं एग्जाम्पल के. तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, दैट इज़ फ्रॉम कॉपी इम्पोर्ट कॉपी. उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक एक्स लिया है जो कि हमारा लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, और जो कि हमारा सेकेंड आप देख सकते हैं 0, 1, 2, सेकेंड इंडेक्स पे एक हमारा नेस्टेड लिस्ट है 3, 4. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक वाई वेरिएबल लिया है, बेसिकली हमने वाई वेरिएबल में कॉपी बनाया है एक्स की, और ये एग्जाम्पल है शैलो कॉपी का. तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हम y के फर्स्ट, दैट इज़ द सेकेंड इंडेक्स पे, जीरो से इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है, अगर हम 2 की वैल्यू 100 से रिप्लेस करते हैं और फिर हम अगर x प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर हमें हमारा x जो है वो चेंज नहीं होता. तो इसका मतलब है कि अगर आप y में अगर आप कोई भी नॉर्मल वैल्यू आती है, दैट इज़ अगर आप सिंपल वैल्यू किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप चेंज करते हो, तो वो हमारे x की कॉपी को रिफ्लेक्ट नहीं करता. जो x की कॉपी ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहती है. लेकिन अगर हम बेसिकली हम अपने जो सेकेंड एलिमेंट है, दैट इज़ अ 0, 1, 2, थर्ड इंडेक्स पे बेसिकली अगर हम कोई भी वैल्यू अपेंड करते हैं 500, इसका मतलब इस लिस्ट के अंदर एक नया वैल्यू अपेंड करते हैं 500, और फिर से हम प्रिंट वाई और एक्स प्रिंट करते हैं, तो दोनों के दोनों वैल्यू में चेंजेस हो जाएगी. तो बेसिकली आप कह सकते हो कि शैलो कॉपी में एक लिमिटेशन है. अगर आपका एक पूरा का पूरा लिस्ट रहता है ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, आप कह सकते हैं दैट इज़ इफ़ यू कैन से दैट इज़ अ म्यूटेबल एलिमेंट्स. अगर हमारा इम्यूटेबल एलिमेंट्स होता है तो वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. अगर उसमें से कोई भी एक म्यूटेबल एलिमेंट्स हो सकता है, जैसे हमारा थर्ड एलिमेंट एक म्यूटेबल एलिमेंट है, और म्यूटेबल एलिमेंट में अगर हम कोई चेंज करते हैं, चाहे किसी भी कॉपी में चेंज करते हैं वाई में, तो वो ओरिजिनल कॉपी में भी रिफ्लेक्शन दे देगा. सेकेंड है हमारा डीप कॉपी. सो डीप कॉपी में बेसिकली हमारा कॉपी करते हैं एक रिकर्सिवली करते हैं सोर्स टू टारगेट, बट बेसिकली वो दोनों कॉपीज़ को सेपरेट रखता है. अगर आप एक कॉपी में चेंजेस करते हैं तो दूसरे कॉपी में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो नेस्टेड लिस्ट हो या नॉर्मल लिस्ट हो. तो यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं, हमने सेम एग्जांपल लिया है. यहाँ कॉपी के इंस्टेड आपको डीप कॉपी यूज़ करना पड़ेगा, और डीप कॉपी में यहाँ पर देख सकते हो कि हमने वाई 100 लिया है, और साथ ही साथ वाई 2 पे अपेंड किया 500 वैल्यू. और अगर आप फिर लास्ट में वाई और एक्स प्रिंट करोगे, तो एक्स जो हमारा ओरिजिनली एक्स था 1, 2, 3, 4, 5, वो ओरिजिनली रहेगा, और y हमारा जैसा कि हमने दो बार y को चेंज किया है, एक बार 100 और एक बार 500. सो इस तरीके से ये हमारा y चेंज हो सकता है. सो आप कह सकते हो अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, बिजनेस कंडीशन, वहाँ पर आप कॉपी यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ आप डीप कॉपी यूज़ कर सकते हो. सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो. अगर आपको कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया. थैंक यू.